आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी की बेस्ट बुक की, चक्षु पब्लिकेशन की ये किताब है। और दोस्तों आपको पता होगा जैसे कि उत्तर प्रदेश में चाहे ट्रिपल एससी की परीक्षाएं हो, सुपर टेट की परीक्षा हो या फिर यूपी टेट की परीक्षा हो, साथ ही साथ आपकी चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा हो या फिर यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं में जो आपकी हिंदी है सामान्य हिंदी विशेष रूप से और अनिवार्य रूप से पूछी जाती है। दोस्तों मैं यहाँ पर कहूँगा कि इन परीक्षाओं के लिए ये किताब आपके लिए सबसे अच्छी होगी। ठीक है, विषय सूची की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपकी इसमें हिंदी भाषा है, संज्ञा सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, संधि विच्छेद है, कारक है, समास आदि जो भी आपका सिलेबस है हिंदी का वो इसमें अच्छे फ्रेमवर्क में यहाँ पर दे रखा है। अगर दोस्तों आप इस किताब को लेना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, खास तौर पे मैं अगर बात करूं तो आपकी यूपी ट्रिपल एससी की जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें आपका जो सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं वो मोस्टली आपके इसी किताब से होते हैं। तो दोस्तों आप इस किताब को ले सकते हैं जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है। हमारे यूट्यूब चैनल चैतन्य स्टडी पर, और दोस्तों जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ ही लिया होगा कि राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को आधार मानकर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो बीएड प्राइमरी का जो यूपी टीईटी का जो रिज़ल्ट है, ठीक है, तो उसको फ़िलहाल जारी करने पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में कुछ जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको यहाँ पर भी दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिट नंबर, ठीक है, और कुछ आगे की डिटेल भी है यहाँ पर, और यह है एक न्यूज़पेपर की कटिंग जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ने लगाई है यूपी टीईटी के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक। हालांकि ये बीएड यूपी टीईटी की बात हो रही है, ठीक है, बीएड वाले जो अभ्यर्थी थे जिनका प्राइमरी का जो यूपी टेट का रिजल्ट था। इसमें आगे बोला गया है, देखिए, कि राज्य सरकार से हाई कोर्ट ने पूछा है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त करने के संबंध में एनसीटीई ने कोई नई सूचना जारी की है या नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्र व अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख लगा दी है। ठीक है, आप दोस्तों आपको पता ही होगा कि 26 अगस्त 2018 को बीएड जो है प्राइमरी में शामिल हो गया था, और यहाँ पर इसमें यह भी बताया गया है आगे की छोटी सी एक पॉइंट में, इसके अलावा बीएड डिग्री धारकों को स्कूलों में प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए नियुक्त की जाने से रोकने की भी मांग की गई है। देखिए यहाँ पर सिर्फ अभी मांग की गई है, ठीक है, आगे का क्या रहता है इसका प्रोसेस वो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। हालांकि 16 मई को इसकी अगली तारीख लगी है। चैतन्य शेट्टी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। अगर कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।